तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और हम सब जा रहे हैं बीड़ हनुमान जी के, जो चौमुखी साइड पड़ता है। और वहीं पे हम एक स्पेशल यूट्यूबर है, जो बहुत बड़े यूट्यूबर भी है और आप सबने उसको देखा भी है। तो मेरे 2-3 दिन से उनसे बात चल रही थी मिलने के लिए, तो आज मतलब उनसे भी मिल के आएंगे हम। तो उनका नेचर बात की तो बहुत अच्छा लगा। तो हम बस वहाँ जा रहे हैं, हम सब रेडी हो चुके हैं और निकलने को तैयार है। ये है बोरी और मेरे साथ मम्मी पापा भी जा रहे हैं और मेरा भाई हप्पू भी जा रहा है, क्योंकि राखी का त्यौहार ढोक भी लग जाएगा हनुमान जी के, माता माइयों के। और वहीं उधर हम मिल भी आएंगे। सब बने रहे ब्लॉग में। और मैं बता देती हूँ फिर भी, उनका नाम है अंकिता जी और मस्तराम जी जी, जो काफ़ी अच्छे ब्लॉगर है और आप सब जानते हैं अच्छे से। तो बस वहीं मिलने जा रहे हैं। और ब्लॉग को लाइक करना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो अभी हम रास्ते में ही हैं आधे में, तो अभी हम उनके लिए कुछ फल फ्रूट्स भी लेंगे, क्योंकि यहाँ अंकिता प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी अगले महीने में हो सकती है कभी भी। तो अभी ये फ्रूट्स लेने जा रहे हैं हम, फ्रूट्स की दुकान पे रुक गए हैं यहाँ पे उनके लिए फ्रेश फ्रूट्स। यहाँ पे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। वीडियो वगैरह सब देखती थी और वो भी मुझे फॉलो करती थी और मैं भी उनको फॉलो करती थी। तो फिर हमारी दो दिन से बात हो रही थी मिलने के लिए, तो आज फिर उधर जाना हो रहा था, तो हम उधर भी मिल के आएंगे उनसे। और मैं उनके ब्लॉग वगैरह सब देखती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके ब्लॉग और वीडियो भी, और मम्मी भी देखती है और पापा भी देखते हैं। तो हम बस आज मतलब हमें मिलने का मौका मिल गया, तो हम बस वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाएंगे हम। अभी रास्ते में हैं हम सब। कैसा लगा इस मम्मी तो ना? बहुत बढ़िया लगे, बहुत मस्त। तू ब्लॉग भी देखे चुका? हाँ, मैं देखो बार भी देखी गाड़ी में मेरे फोन तो इनको मैंने बताया था इंस्टाग्राम इनको सब चलाना। तो हम फाइनली उनके घर पहुंच चुके हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, तो सही है यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्किंग की सब सुविधा है। तो हम बाहर खड़े हैं, नीचे आ रहे हैं भैया, उनका वेट कर रहे हैं। अरे अरे हप्पू, क्या कह रहा है हप्पू? तू हप्पू सर, हप्पू हंस रहा है, हप्पू हंस रहा है, हंस रहा है। तो लोकेशन कितनी प्यारी लोकेशन। बाप बना लो ना। हाँ बनाता हूँ, तो पूरी बिल्डिंग ऊपर। हेलो भैया, कैसे हो? नमस्ते। तो आ गए भैया यहाँ पे। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। ये मम्मी पापा है और ये मेरा भाई है छोटा। और सब बढ़िया? हाँ। और तो मस्त राम जी से मिल लिए अभी। राम जी कहाँ गए अभी? वो अभी कुछ लेने गए, हमने मना भी किया था, बट उन्होंने कहा कि मैं कुछ लेके आता हूँ, पास में दुकान है तो वहाँ पे जाएंगे। और वो अभी इस साइड गए हैं कुछ लेने, तो अभी आप उनका वेट करते हैं। हाँ, थोड़ा वो हमने डिस्टर्ब कर दिया उनको। तो हम जा रहे हैं भैया के पीछे। हम आ चुके हैं इनके घर पे। नमस्ते दीदी। फ्रूट्स लाए थे? फ्रूट्स खाया करो ज्यादा इस टाइम पे। तो दीदी यहाँ पे चाय बना रही है हमारे लिए, परेशान हो रही है दीदी। आप पता नहीं कैसे हमारे घर पे आ गए। हम दोपहर में आ गए दीदी, सो रही होंगे आप ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मिलने वाले तो कभी भी आ जाते हैं। वैसे भी मेरे सारे दिन पड़ी रहती, नींद तो आती है नहीं। हाँ, बाहर भी नहीं निकलती हो ना? बाहर भी नहीं जाती, कल ही गई थी बस हॉस्पिटल, इसके अलावा कभी बाहर नहीं जाती। अभी नवा लग गए हैं, लेकिन 5-6 दिन निकल गए, तो अभी तो थोड़ा थोड़ा। तो जैसे ब्लॉग में बोलते हैं ना दीदी और भैया, जो ऐसे ही है रियल में भी। सबको देख कैसे लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, थोड़ा डर लगता ही है। आपको हम दोनों की रील्स देखने को मिलेगी, तो आप ज्यादा लाइक करें और आप अपनी जोड़ी पहली बार देखेगी सबको। तो आप शिवानी जी हो? तो शिवानी जी का भाई है गाइस ये, और मैं आप सबको बता दूं कि इतने साल बाद में ये छोटा मेहमान इसलिए आया था क्योंकि जो शिवानी जी है ना, ये 22 साल की है पूरी, ओके, उसके 21 साल बाद में ये बच्चा लगाए ये खेल रहे हैं यहाँ पे देखो। लगाई नहीं, और एक लड़का है अच्छा लगा भाई, आपकी कहानी बड़ी मतलब मजबूत है यार। सबके रहती है सिद्धू को बड़ी कहानी यार, बच्चा नहीं लगा था तो यार आप हो गए, बता नहीं देगा कि आपको बेटा नहीं, ओके, तो आप घबराइए नहीं और आप मस्त रहो ऐसे। गाँव में तो बहुत ज्यादा देते हैं,
कौन क्या कहता है उसपे ध्यान नहीं मत दूं। ठीक है, अभी आप रील्स बनाते हो आपको जो करना है आप करो, आपका लक्ष्य वही होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है। सोचो आपकी तो फैमिली है, परिवार है, सब कुछ है, मुझे भी सपोर्ट करते हैं पूरे। आप सोचो आपके तो सब कुछ है, बेटियां, फैमिली, बच्चा, सोचो हमारे तो कोई नहीं था, हमने कितनी लड़ाई लड़ी होगी। तो वो है कि आप ना लड़ना बंद मत करो, उनके लिए फेमस हो रही है, फेमस तो उसी को आपके लिए होने है। कोई डर के फेमस होती है, किसी को कोई सपोर्ट कर देता है, तो बेस्ट है। तो मेरे हस्बैंड ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है शुरू से इन्होंने। निकल रहे हैं यहाँ से, भैया दीदी से मिल लिया, बातें कर ली, नाश्ता चाय कर लिया हमने, तो हमने अभी दीदी ने चाय नाश्ता करवा दिया, हमने खा लिया अच्छे से, और हम निकल रहे हैं रील्स बनाने नीचे। दीदी चले तो भैया दीदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो इनका नेचर बहुत अच्छा लगा हम दोनों को। एक चीज में गिफ्ट कर रहा हूं, मैं फॉर्मल ट्राउजर एमआरपी 1300। ये क्या है भैया? चलो भैया ये गिफ्ट ही बहुत महंगा मिल लिया आपसे मिला है नहीं याद रहेगी मुझे कि आपसे मिली थी मैं। तो हम जा रहे हैं वीडियो के हम भी रील्स बनाएंगे। लोकेशन बहुत ही अच्छी है दीदी और की। थ्री टू वन यहाँ पे मम्मी दीदी पापा बात कर रहे हैं इनसे, और काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, हवा चल रही है। गाइज हमारी रील्स वील्स सब कुछ कंप्लीट हो गए, भाई के साथ में, भाभी के साथ में, सबके साथ में, वो मज़ा आ गया। अब इनको तो फाइनली हम मिल चुके हैं दोनों भैया दीदी से, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब पहली बार मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा नेचर है, और हमने रील्स वगैरह सब शूट कर ली, तो आपको हमारी आईडी पे देखने को मिलेगी। और हम जा रहे हैं काका जोजी के घर पे, तो अब वहाँ पे जाएंगे, तो आप बने रहे ब्लॉग के साथ। और दीदी से मिलके बहुत अच्छा लगा, और अब दीदी जा रही है ऊपर, क्योंकि दीदी थक चुकी है इतनी सारी रील्स बना के। आज ही आई हूं आपके लिए, ये मान लो बाहर नीचे से। थैंक यू दीदी, आप हमारे लिए इतना परेशान हुए तो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ वो तो है ही, बट आपको भी थैंक यू, आप इनके लिए आए नीचे। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अभी कभी इधर आएंगे ना तो जरूर आएंगे आपकी तरफ। तो अब दीदी जा रही है ऊपर, तो आप रेस्ट करो दीदी, अब आपकी बेबी होएगा ना जब आएंगे आपसे मिलने। ठीक है, बस यही प्रार्थना रहेगी कि आपका बच्चा अच्छे से हो जाए। ओके चलो बाय बाय, बाय बाय, बहुत हम देखते हैं। अभी इनको भी कैमरा पकड़ना नहीं आता, देखो इधर कैमरा है ना तो फिर लिया करो लोगों को ना, अगर इधर कैमरा है तो इधर लिया करो। मुझे इतनी ब्लॉगिंग नहीं आती, भैया ने काफ़ी सारी टिप्स वगैरह बताया है, तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम भी। तो बस हम थैंक यू, बाय बाय।